हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट नंबर फिफ्थ दो लेक्चर में हमने देखा था प्रिंसिपल एल्कोविक इक्वेशन और कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमने देख ली थी ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की और रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की आज का जो आपका लेक्चर है वो है की एप्लीकेशन के ऊपर और लेक्चर इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पूछी जाती है तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और अगर आपको नोट्स के है, नोट्स के रिक्वायरमेंट डाउनलोड करने हैं तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप जाके विजिट कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो देखो पोलेरोग्राफी की काफी सारी एप्लीकेशन होती है अपन वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे सभी को सबसे पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है हम यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर्स का और जो मेटल होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कौन सा है उसका सबसे पहला क्या है ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है और दूसरा मेटल्स जो होते हैं उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट है इन दोनों का पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलोग्राफी तो ये आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो वॉट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस हेल्प इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वेरियस मेटल इंटरक्शन मेटल से मेटल के बीच में कौन सा इंटरक्शन है और हमारे सॉल्यूशन में कौन सा है, ये हम बता सकते हैं विद्प ऑफ पोलेरो आएगा क्वालिटेटिव में जहां पर हम डिटर्मिनेशन करते हैं कि ड्रग का कंसेंट्रेशन क्या है या मेटल आयन का कंसेंट्रेशन क्या है ठीक है और हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलोग्राफी नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन तो देखो इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन में क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ वेव पोटेंशियल और डिफ्यूजन करंट जो कि हमें पोलियोग्राफी बताती है एक तो हाफ वेव पोटेंशियल बताती है एक डिफ्यूजन करंट बताती है तो हाफ वेव पोटेंशियल की मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एलिमेंट का कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और जो डिफ्यूजन होता है ना डिफ्यूजन करंट गिव क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट कि एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी है तो एलिमेंट कौन सा है वो हम पता कर सकते हैं हाफ वेव पोटेंशियल से और एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में है वो हम पता कर सकते हैं डिफ्यूजन करंट से तो डिफ्यूजन करंट बताएगा कि कितनी क्वांटिटी में एलिमेंट है और हाफ वेव बताएगा कि आइडेंटिटी क्या है कौन सा एलिमेंट है ओके इन पोलेरोग्राफी यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ केटाइन एन पोलियोग्राफी जो है वो डिटर्मिनेशन करती है कि कितना कंसनट्रेशन में केटाइन है और कितना कंसंट्रेशन में एनाइन है नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एप्लीकेशन एप्लीकेशन में दे रखा है पोलियरोग्राफी जो है यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है उसके डिटर्मिनेशन में भी पोलेरोग्राफी हमें मदद करती है नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन तो देखो नाम से पता लग रहा एस्टिमेशन करना मतलब पता लगाना तो ये बताएगी कि डिजोल्व ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितना ऑक्सीजन डिजोल्व है हमें अगर पता करना है कि किसी भी सॉल्वेंट में कितना ऑक्सीजन डिजोल्व है तो उसका पता भी हम पोलेरोग्राफी की मदद मतलब से कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन तो देखो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पोलेरोफी का हम यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट्स का पता कर सकते हैं एल्कलोइड का पता कर सकते हैं जैसे क्विनिन क्विनिडीन मॉर्फिन ओके वोलेटाइल ऑयल का जो कंस्टिट्यूएंट है वो भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाउ नेक्स्ट इज फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं विटामिन बी एंड सी और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन-कौन से हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के वाटर सॉल्युबल कौन से हो गए विटामिन बी विटामिन सी ओके तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन जब इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रो रिडक्शन में जाते हैं तो हम इनका एस्टीमेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलारोग्राफी ओके तो फैट सोल्युबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन जब अंडर गो जाते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो हम इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ का पता लगाते हैं नेक्स्ट इज हॉर्मोन लाइक इंसुलिन सेक्स हॉर्मोन थायरोक्सिन जैसे हॉर्मोन की बात करूं तो इंसुलिन आप जानते हैं डायबिटीज को सही करता है सेक्स हॉर्मोन आपका फेवरेट और थायरोक्सिन ये सब भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं पोलेरोग्राफी से नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन स्टोमाइसिन ठीक है बहुत अच्छे एंटीबायोटिक है दोनों पेनिसिलिन एंड एस्टेप्टोमाइसिन ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं पोलियोग्राफी से तो एंटीबायोटिक को डिटरमाइन कर लो हार्मोन को डिटरमाइन कर लो विटामिन को डिटरमाइन कर लो वोलेटाइल ऑयल के कॉन्स्टिटेंट को डिटरमाइन कर लो एल्कलोइट को डिटरमाइन कर लो जैसे क्विनिन और क्विनिडिन जैसे मॉर्फिन और एस्टिमेशन कर लो ट्रेस एलिमेंट का यहाँ तक कि आप डिजोल्व ऑक्सीजन का कर लो ऑर्गेनिक एप्लीकेशन है कुछ है कुछ क्वालिटेटिव है, तो कुछ है. आपको हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई भाई बंधु और रिलेटिव और कजन क्लास टेंथ में है या इलेवेंथ ट्वेल्थ में साइंस लेकर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको जरूर ये चैनल सजेस्ट करना क्योंकि यहाँ पे मैंने बायोलॉजी क्लास इलेवन केमिस्ट्री क्लास इलेवन ट के लेक्चर क्विक रिविजन सीरीज साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है तो काफी हेल्पफुल रहेगा उन्हें हैव ए नाइस डे थैंक यू